नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय का 69 वर्ष की आयु में निधन। व्यातों की बीमारी से ग्रसित थे। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर देबरॉय नीति आयोग के सदस्य रहे और उन्होंने पुराणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। एक QI 400 के पार पहुंच गया है। दीपावली पर पटाखों के बैन के बावजूद आतिशबाजी हुई, जिसके चलते प्रदूषण में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक QI 388 दर्ज किया गया, जो देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। निफ्टी 50 ने मार्च 2020 के बाद से सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की है। अक्टूबर में 6% की गिरावट आई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और दिग्गज कंपनियों की कम कमाई ने बाजार को प्रभावित किया। 31 अक्टूबर को सेंसेक्स 553 अंक गिर कर 79,389 पर और निफ्टी 135 अंक गिर कर 24,205 पर बंद हुआ। एप्पल भारत में 4 नए फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा, जो आने वाले महीनों में स्थापित होंगे। वर्तमान में कंपनी के मुंबई और दिल्ली में एक एक स्टोर हैं। CEO टीम कुक ने बताया कि आईफोन की बढ़ती बिक्री के कारण भारत में रिकॉर्ड हाई रेवेन्यू दर्ज किया गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन की बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन को 100 रुपये के नए नेपाली नोट छापने का ठेका दिया है। इन नोटों पर भारत के लिपुलेख, लिम्प्याधुरा और कालापानी क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। कुल 30 करोड़ नोट छापने पर लगभग 75 करोड़ भारतीय रुपए खर्च होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर को मुंबई में महाविकास अघाड़ी की संयुक्त रैली में शामिल होंगे, जिसमें NCP के शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी उपस्थित रहेंगे। तीनों नेता इस अवसर पर एक कॉमन गारंटी जारी करेंगे। सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई, आपको जिसे भी मारना है मारिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सलमान को या फिर किसी और को मारिए, हमें क्या लेना देना है। सलमान को बचाना है या नहीं, ये सरकार का दायित्व तो है। इधर 5 नवंबर को सांसद राहुल गांधी रायबरेली आएंगे, जहां वे जिला सत्कर्ता अनुसर्वन समिति दिशा की बैठक लेंगे। इसके साथ ही नगर पालिका के कामों का लोकार्पण भी करेंगे। झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, वीरेंद्र मंडल एक बड़े नेता हैं। जो भी कारण हो, उन्होंने नाला सीट से बतौर निर्दलीय नामांकन किया था। वे अपना नामांकन वापस लेंगे और पार्टी के लिए काम भी करेंगे। पार्टी उनको उचित सम्मान भी देगी। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना UBT नेता अरविंद सावंत की इंपोर्टेड माल टिप्पणी पर शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी भड़क गई। उन्होंने एक्स पर कहा, महिला हूँ, माल नहीं हूँ। बता दें, सावंत ने साइना की पार्टी परिवर्तन पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि उनके यहाँ केवल ओरिजिनल माल चलता है। लद्दाख के डेमचुक में भारत और चीन की सेनाओं की ओर से फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। सेना के सूत्रों की ओर से बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले 2 पॉइंट्स पर भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने के कुछ दिनों बाद भारतीय सेना ने शुक्रवार को डेमचुक में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। राजेश कुमार सिंह ने आज शुक्रवार को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव का पदभार संभाल लिया है। वे केरल कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने 20 अगस्त 2024 को विशेष कार्य अधिकारी रक्षा सचिव का पदभार संभाला था। बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए जारी 7,000 करोड़ रुपए में भ्रष्टाचार किया है। दिवाली के बाद यमुना नदी की प्रदूषण स्थिति को देखकर पुनेवाला ने कहा कि नदी पर झाग की मोटी परत अस्पष्ट है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ विवादित बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को बेवकूफ और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मूर्ख कह दिया है। ट्रंप के इन बिगड़े बोलों से राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। 1 नवंबर को यानी कि आज से कॉमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली में अब इसका दाम 1,802 रुपये है। कोलकाता में ये 1,911.50 रुपये, मुंबई में 1,754.50 रुपये और चेन्नई में 1,964.50 रुपये पर पहुंच गया है। उपभोक्ताओं को दिवाली के बाद महंगाई का ये झटका महसूस हो रहा है।
पंजाब में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। AQI 500 के पार पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। अधिकांश शहरों में प्रदूषण ऑरेंज अलर्ट पर है, जिससे ग्रेप 1 की स्थिति लागू हो गई है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए नया कस्टम चैट लिस्ट फीचर पेश किया है, जिससे उपयोगकर्ता अपने कॉन्टेक्ट्स को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। इस फीचर की मदद से दोस्त, परिवार और ऑफिस के लोगों की अलग अलग लिस्ट बनाना संभव हो जाएगा, जिससे चैट्स को मैनेज करना आसान होगा। कवास्की ने अपनी लोकप्रिय जेड 900 बाइक के 2025 वर्जन को लॉन्च किया है, जिसमें 948 सीसी फोर सिलेंडर इंजन के साथ लो एंड टार्क में सुधार किया गया है। नए थर्टल बल्ब और अपडेटेड कैमसॉफ्ट प्रोफाइल से बाइक की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है। अपडेटेड ECU के साथ ये बाइक शानदार लुक के साथ और भी दमदार बन गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की DGP रसिम शुक्ला पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शुक्ला ने महागाड़ी पार्टी के दिग्गजों के फोन टैप करवाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रसिम शुक्ला को चुनावी कामों से हटाया जाना चाहिए। इधर झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मंत्री ने इस साजिश में BJP का हाथ होने का आरोप लगाया है। बता दें कि एक वीडियो कॉल के दौरान अश्लील तस्वीरें दिखाने के बाद फोन करने वालों ने मोटी रकम की मांग की। और आज से बदल गया ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम। आज यानी कि 1 नवंबर 2024 से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग का नियम बदल दिया गया है। अब आप 120 दिन नहीं बल्कि 60 दिन पहले टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे। रेलवे ने टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू करने के नियम को खत्म कर उसे हटाकर 60 दिन कर दिया है। रेलवे के मुताबिक एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक हुए टिकटों या यात्रियों के सफर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी को SEBI ने 154.5 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है, जिससे उनकी खुशियों में नया संकट आ गया है। मार्केट रेगुलेटर ने उन्हें 15 दिनों के अंदर ये रकम जमा करने का निर्देश दिया है। दिवालिया होने के बाद उनकी कारोबार में सुधार हो रहा था, लेकिन ये नया बोझ फिर से मुश्किलें पैदा कर सकता है। भारत में TB के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है, वैश्विक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के 26% TB मरीज भारत में हैं। भारत ने 2025 तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिससे ये रिपोर्ट चिंता का विषय बन गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और सभी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि जब जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बनेगा तब भी जश्न मनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये चरित्र दोहरा है। महिंद्रा 26 नवंबर को अपने इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर पोर्टफोलियो में 2 नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। नए इलेक्ट्रिक व्हीकल की अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए से कम होने की उम्मीद है। इस प्राइस टैग के साथ कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचने का प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में 18.76 लाख अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है। आयोग ने तकनीकी समस्याओं के कारण ईमेल OTP वेरिफिकेशन को अस्थायी रूप से वैकल्पिक कर दिया है। अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन OTP के जरिए जारी रहेगा। BSNL ने 499 रुपए के प्रीपेड प्लान में 75 दिनों की वैलिडिटी, 200 GB डेली डाटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का ऑफर दिया है। यदि रिचार्ज BSNL सेल्फ केयर ऐप से आप करते हैं तो आपको मिलेगा 3 GB बोनस डाटा। दिवाली ऑफर के तहत 1999 रुपए वाले प्लान पर 100 रुपए की छूट भी उपलब्ध है। इधर हैदराबाद में दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान आंखों में चोट लगने के बाद 48 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती किए गए लोगों में 3 बच्चे और 5 वयस्क शामिल हैं। उनमें से किसी को भी ऐसी बहुत गंभीर चोट नहीं लगी जिससे आंखें खराब होने का खतरा हो।
राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर 7 नवंबर को पुण्यकालिक का अवकाश घोषित करने को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। दरअसल दिल्ली में बिहार झारखंड समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लाखों लोग छठ धूमधाम से मनाते हैं, जिसको लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है और छुट्टी के लिए अपील की है। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, रामबाबू दास, दीपक कुमार, सपना कुमारी, अमित कुमार, ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा, बाबूलाल मरांडी, अक्षय कुमार, नौसाद रजा, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का हमारा सवाल है, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? इसका जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए बिहारी न्यूज। नमस्कार।